बनाओगे तो इसमें अच्छा। देखिए मैंने सूप के लिए ले लिया था तकरीबन 1 पाव चिकन ले लिया था समझ लें, और वही 1.8 जो है कप मैंने कॉर्न ले लिया था। लेके अच्छे से बॉईल कर लिया, यखनी निकाली। इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला, और इसकी मैंने अच्छे से यखनी निकाल ली है। इसका मैंने चिकन एंड कॉर्न सूप बनाना है, ठीक है। देखें अच्छे से ये हो गए, तो अब इसमें हम जो शैक हुई चिकन थी ना वो हम डाल देंगे। देखिए ये अंडे इसमें हमने डाल के अच्छे से ना फौरन मिला लेना है। और अगर आप नहीं खाते हो चिकन और अंडा तो आप ये करो, स्किप कर देना, चिकन और अंडा नहीं डालना, आप सिर्फ वेजिटेबल का डाल के बना लेना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी मैं अपने वेजिटेरियंस के लिए भी लेकर आऊँगी, क्योंकि सिर्फ और ये जो बगैर गोश्त की चीज़ें होंगी। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, ठीक है, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है, ओके। इसे डाल के और जो फ्लेम है आपको थोड़ा सा हाई रखना है, वरना फिर ना ये होगा कि वो बिल्कुल अजीब से ट्रांसपेरेंट सी गुटली टाइप सा बन जाएगा, तो आपने बिल्कुल भी नहीं लो रखना। और बिल्कुल भी ये नहीं करना है, स्पून या स्पैचुला को नहीं रोकना है, चलाते रहना जब तक आपका उबाल ना आ जाए। हो गया है तो अब हम इसमें करेंगे कि ब्लैक पेपर 1 टी स्पून, ठीक है, चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहते हो डालो, वरना आप स्किप कर सकते हो। और नमक अब मैं डालूंगी इसमें, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से हो गई हैं, घुल मिल गई हैं, ठीक है, और इनको हम अच्छे से चला लेंगे। और आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके बच्चों को आप सोया सॉस चिली सॉस नहीं देना चाहते हो तो आप ऐसे ही निकाल लो, वरना फिर आप इसमें भी डाल सकते हो, वरना बाउल में भी बालक से सर्व कर सकते हो, ओके। हमारा ये चिकन एंड वेजिटेबल कॉर्न सूप तैयार है। अभी मैं ये छोटी सी हमने सेलिब्रेशन की है, सैंडविच है, सूप है, चिकन कॉर्न वेजिटेबल सूप है, तो प्लीज़ बेस्ट विशेस दें हुरिया को, कि हुरिया आगे भी ऐसे ही अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, कीप वॉच माई चैनल, ना जा सकते बाबा खाना।